देवीलाल की पुण्यतिथि पर दिल्ली में इनेलो ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और विधायक अभय चौटाला समेत इनेलो को उसमें कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस दौरान अभय चौटाला ने प्रदेश में बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर कहा कि किसानों की अनदेखी की जा रही है, फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन मुआवजा किसानों को मिल नहीं रहा। किसानों की अनदेखी करने की बात अभय चौटाला कहते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि जो किसान हैं उनकी फसलों का जो मुआवजा है वो 2020 से मिला नहीं है। किसान अभी मौसम की मार झेल रहे हैं, हाल ही में जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे भी किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। ऐसे में किसानों की अनदेखी करने का आरोप अभय चौटाला ने लगाया। राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर भारत में तकरीबन सब जगह किसान की फसल ओलावृष्टि और बारिश की वजह से खत्म हो गई। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री दरबार लगा रहा है और जब दरबार में जाता है कोई किसान फरियाद लेकर के जाए उनके सामने, तो किसान तो जो पिछला मुआवजा वो भी मांगेगा। 2020 का मुआवजा अभी बकाया है, ये 2023 है। 3 साल का सत्ता में बैठे लोग किसान का मुआवजा भी खा गए, अब भी मुझे नहीं लगता कि कोई मुआवजा देंगे, खाना पूर्ति करेंगे और किसान को कमजोर।